हेलो फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं मोदक जो हमने गणपति में चढ़ाए थे। ये उसका वीडियो है, आप देख रहे हैं। पहले हमने खवा लिया है, उसके अंदर ये रवा भूज के हम लोगों ने रवा मिक्स करा है सबसे पहले, और खवे को भी अच्छा हल्का ब्राउन होने तक के उसे गैस पे ही रखेंगे। तब तक के हम ये सब चीज़ें मिला लेंगे। अब हमने खसखस ली है, खसखस को भी हल्का ब्राउन होने तक के हम इसे भूजेंगे। जब तक के ब्राउन हो नहीं होगा तब तक के इसे भूजते रहेंगे, और थोड़ा सा प्रेस करके भूजे, मतलब थोड़ा उसमें स्मेल अच्छी आएगी, सुगंध अच्छी आती है। फिर अब ये हमने इसमें भी डाल दिया है, तो अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अच्छा, फिर अब हमने खोबरा लिया है, थोड़ा खोबरे को भी अच्छा हल्का ब्राउन होने तक के इसे भुनेंगे। गैस बंद कर देंगे जिससे ज़्यादा ये जले नहीं। अब ये भी हल्का ब्राउन हो चुका है, इसको भी हम अब इसमें डाल देंगे खवे में। अब ये तीनों चीज़ें जब मिक्स हो जाती है तो खवे का भी जब लाइट ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे अलग बाजू में निकाल के रख देंगे थाली में। देखिए, अब ये अच्छा हल्का ब्राउन हो चुका है खवा भी। अब ये तीनों चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी है, रवा, खसखस। अब हमने मैदा लिया है, रवा, मैदा, मौन के लिए घी और चुटकी भर नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अच्छा मिक्स होने तक के इसे मैश करें और अच्छे से इसे गूंथ ले। अब ये 10 मिनट के लिए रहने दे, फिर हम इसके लोई बना के छोटी छोटी कटोरी से कट कर लेंगे। यानी एक बड़ी रोटी बेलेंगे और छोटी कटोरी से इसे हमको जितना साइज चाहिए मोदक का उसके हिसाब से कट कर लेंगे। अब इसे फील कर लो, फीलिंग के लिए हम इसमें डालेंगे और मोदक का शेप दे देंगे। तो मैंने तो इसे एक हाथ से बनाया था क्योंकि वीडियो ले रही थी, बाकी सब दोनों हाथ से मिला के अपन कर सकते हैं। तो ये अच्छे से इसे दबा के फिर इसे ऊपर से थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे जिससे ये खुले नहीं, और अब हम इसको तल लेंगे। तो घी नहीं तो तेल, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का ब्राउन होने तक के इसे डीप फ्राई करेंगे, जब तक के ब्राउन नहीं हो जाता। ब्राउन होने तक के करेंगे क्योंकि अंदर से अच्छे से पक जाएगा फिर। तो ये हमारे मोदक तैयार है। बोलो गणपति बप्पा मोरिया।